आजकल तो जमाना ऐसा हो गया है कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। उसको 5,000 दे दे, बोल मेरे को पप्पी करना। पर कोई भी बुक की पीडीएफ फ्री में मिल सकती है। क्या आप बात कर रहे हैं? अक्सर हम कोई ईबुक पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे जाके फ्री बुक पीडीएफ या फ्री ईबुक सर्च करते हैं। कुछ बुक्स ऐसे हमें मिल भी जाते हैं, पर ज्यादातर किस्सों में गूगल हमें घुमाता रहता है और घुमाए ही करता है। और इसी मुसीबत को अवॉइड करने के लिए हम 5 ऐसी साइट्स लेकर आए हैं जिसपे से आप कोई भी बुक फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर हमने 4 साइट्स रखी है जो कि मोर और लेस सिमिलर है। booktree.ng, nudemia.com, readallbooks.com और indianpdf.com। इन सब साइट्स पे बुक का कलेक्शन लिमिटेड है। कुछ ही बुक्स आपको यहाँ से मिलते हैं, पर यहाँ से कुछ ऐसी बुक्स भी मिल जाती है जो आगे की 4 साइट्स में भी ना मिले। 4th नंबर पे 2 साइट्स हैं, gutenberg.org और archives.org। दोनों साइट्स नॉन प्रॉफिट हैं। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग उन बुक्स के लिए है जो कॉपीराइट से बाहर हो गए हैं। जनरली कोई भी बुक या कंटेंट का कॉपीराइट 60 सालों तक होता है, उसके बाद वो बुक ओपन एक्सेस में चली जाती है और उस पर रॉयल्टी नहीं लगती। तो अगर आप क्लासिक बुक्स जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ला मिजरेबल्स, एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर या शेरलॉक होम्स पढ़ना चाहते हो तो ये साइट आपके लिए परफेक्ट है। Archives, on the other hand, is not just contain books, but also contains audiobooks, videos, and even podcasts. पर Archives की limitation है site structure. इस site का structure इतना पेचीदा है कि site पे से कुछ भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो इस site से book ढूंढने के लिए नाम के पीछे Archive लगाकर Google पे search करो, सीधा book का page आपको मिल जाएगा और वहाँ से download कर सकते हो। 3rd नंबर पे है libgen.is। ये साइट का कलेक्शन बहुत बड़ा है, सब्जेक्टिव से लेकर लिटरेचर बुक्स तक सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से। बस एक बात का ध्यान रखिए कि ये साइट सिमिलर रिजल्ट्स नहीं दिखाती, तो तुम्हें बुक का पूरा नाम सही स्पेलिंग के साथ लिखना होगा। साथ ही डाउनलोड पेज का इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर फ्री के लिए इतना तो सहन कर ही सकते हैं। 2rd नंबर पे pdfdrive.com। इस साइट पे से आपको 95% ऑफ द बुक्स PDF, MUBI या EPUB फॉर्मेट में मिल जाएगी। Starting from subjective to self-help to novels, everything and anything you can find here. इसका interface भी user-friendly है और इसका search bar भी। The site totally worth visiting. कुछ हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली books भी available है इस site पे। कोई भी book चाहिए बस Google पे नाम लिखो और पीछे लिखो PDF drive, वो book आपको मिल जाएगी। इस site का book collection यहाँ पे दी गई कोई भी site के collection से बड़ा है। But the only drawback is some bestseller books are missing from the site and some books format are just inappropriate. और सिर्फ इसी एक वजह से ये साइट दूसरे नंबर पे है, बाकी ये साइट पहला नंबर ही डिजर्व करती है। और पहले नंबर पे है Zed Library। इस साइट का कलेक्शन भी बहुत बड़ा है। साइट का इंटरफेस और डिजाइन बहुत सिंपल है और अट्रैक्टिव भी। But the best part is सारी bestseller books आपको यहाँ से मिल जाएगी। और तो और बहुत सारी हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली बुक्स भी इस साइट पे से मिल जाएगी। बहुत सारी बुक्स यहाँ पे EPUB फॉर्मेट में मिलेगी, पर EPUB को PDF में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है और EPUB पढ़ने का भी अपना अलग ही मज़ा है। पर गूगल पे जाके अगर आप Zed Library सर्च करोगे तो ओरिजिनल साइट नहीं मिलेगी। तो ओरिजिनल साइट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। 98% ऑफ द बुक्स इन साइट्स पे से आपको मिल जाएगी। एक पे ना मिले तो दूसरे में ट्राई करो, दूसरे में ना मिले तो तीसरे में, पर 1-2% बुक्स फिर भी आपको नहीं मिलेगी। और उनको ढूंढने के लिए जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये 2 बोनस टिप्स। पर बोनस टिप से पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा दबा दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज आप मिस ना कर जाओ। अगर कोई बुक इनमें से किसी भी साइट पे नहीं मिलती तो डोंट वरी, हमारे पास इसका भी इलाज है। गूगल पे बुक का नाम लिखे और पीछे डॉक टाइप कॉलन PDF या फाइल टाइप कॉलन PDF लिख के सर्च कर दीजिए। आप PDF की जगह EPUB भी ऐसे ही सर्च कर सकते हो। कुछ बुक्स ऐसे मिल जाएगी पर हर बार ये काम नहीं करता। और अगर कहीं से ना मिले तो सबका बेली है टेलीग्राम। There are so many channels and groups running on Telegram only for the books, जिनका लिंक मैं नहीं दे सकता, पर थोड़ा एफर्ट करो तो आपको ऐसी चैनल आसानी से मिल जाएगी। खासकर रीजनल बुक्स के लिए, हर लैंग्वेज के लिए चैनल है टेलीग्राम पे, पर टेलीग्राम बुक्स ढूंढने के लिए एफर्ट्स मांगता है, तो ये ऑप्शन लास्ट में होना चाहिए। इस एपिसोड से अगर कुछ नया जानने को मिला है, हेल्पफुल मिला है, तो ये वीडियो एक लाइक और कमेंट तो डिजर्व करता ही है। तो लाइक और कमेंट से फुल कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को। और अगर आप एक यूट्यूबर है जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहा है, तो हमने ऐसे ही यूट्यूबर्स के लिए टेलीग्राम पे एक चैनल शुरू किया है जहां हम एक दूसरे को सब्सक्राइबर और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए मदद करते हैं।
अगर आप ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे डीएम करो या मेल करो, मैं आपको इस ग्रुप में शामिल कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर। जय हिंद।